लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान तेजी से चल रहा है और इस वक्त जो है कड़ी धूप का वक्त है और मैं इस वक्त आ गया हूँ नोएडा जो क्षेत्र है उसके ग्रामीण इलाकों में। आप देख सकते हैं ये प्राथमिक विद्यालय सरफाबाद का इलाका है जहाँ पर बड़े पैमाने पर भीड़ लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं युवाओं से लेकर महिलाओं तक की और एक के बाद एक लोग जो है वोट करके बाहर निकल रहे हैं और सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, सभी के अपने अपने प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, लेकिन जो है मुद्दे क्या हैं इस बार जनता के दिमाग में इसको लेकर लोगों के उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर जो लोग यहाँ पर वोट कास्ट करके आ रहे हैं उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर आप लोग वोट कर दिया आप लोगों ने? हाँ जी। एक बार इस निशान दिखा दीजिए पहले तो। बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताइए किस मुद्दे पर आपने वोट किया है इस बार? किस मुद्दे पे? पार्टी को नहीं बताना है किस मुद्दे पर आपने किया है? ये भी हमारे भैया विकास के मुद्दे पे दिया है। इस बार जो पिछली सरकार थी उसने कोई हमारा काम नहीं किया है। अच्छा। इस बार बदलने के मूड में वोट किया है। अच्छा आपने इस बार बदलने के मूड में किया है। मुझे मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा? राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, महिला सुरक्षा? विकास का तो नोएडा में पहले ना बिल्कुल कोई विकास हुआ ही नहीं था। अच्छा। हाँ गाँव में तो पूरी तरीके से आप गाँव में भी देख सकते हैं तो कोई साफ सफाई कुछ काम कोई नहीं हुआ 5 सालों में। आप एक महिला हैं, आपने किस आधार पर वोट किया है? अरे भैया इन्होंने सुना दिया वही सब। देखिए तो यहाँ पर ये सब जो ग्रामीण परिवेश है उसमें से जो लोग यहाँ पर वोट देने आए हैं यानी कि अपनी अपनी बात है कि कोई परिवर्तन की बात कह रहा है, कोई किसी तरह की बात कह रहा है, लेकिन यहाँ पर अपने अपने एजेंडे हैं, अपना अपना मुद्दा है और लोग जो है बड़े पैमाने पर जो है वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। हर किसी की बात है कि वो किस मुद्दे पर वोट करना चाहता है। अब देखना ही होगा कि जब 23 मई को नक्शे वोटिंग का नतीजा आएगा तो ये पता चलेगा कि आखिर किस तरह की जो स्थिति है वो निकलकर सामने आती है। कैमरा पर्सन सूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, सरफाबाद।